साल था 1997। एचडी देवेगौड़ा के लीडरशिप में कोलिशन यानी गठबंधन की सरकार चल रही थी। साल भर भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नतीजतन सरकार गिर गई। सवाल था कि यह प्रधानमंत्री कौन बनेगा। गठबंधन की बैठक हुई, फैसला हुआ कि इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसकी कई वजह थी। पहली तो यही कि इंद्र कुमार गुजराल की कोई राजनीतिक जड़ नहीं थी। दूसरा, बेहद सज्जन व्यक्ति थे। तीसरा, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं थी। कहते हैं बैठक के समय गुजराल अपने घर पर थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे, उन्हें अपना फैसला बताया और 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश को मिला अपना 12वां प्रधानमंत्री। 4 दिसंबर 1919 को जन्मे इंद्र कुमार गुजराल का जन्म पाकिस्तान के पंजाब इलाके में झेलम में हुआ था। पढ़ाई में अच्छे थे, एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां मिली। राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर जल संसाधन मंत्रालय सहित कई पद संभाले, लेकिन ख्याति हुई विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए। उनके पूरे राजनीतिक काल में दो वजहें ऐसी बनी जिनकी वजह से हम उन्हें आज भी याद करते हैं। पहला, गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसे हम कहते हैं गुजराल सिद्धांत, और दूसरा, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करना। एक और कारण है एयरलिफ्ट का, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र यह था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और इन्हें दी गई किसी भी मदद के बदले में तुरंत कुछ हासिल करने की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर कोई प्राकृतिक, राजनीतिक या आर्थिक संकट आता है तो हमें उन्हें सुलझाना चाहिए। शायद यही कारण है कि भारत अभी भी अपने पड़ोसी देशों में भूकंप या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो मदद करते हुए देखा जाता है। गुजराल सिद्धांत का दूसरा बिंदु यह था कि किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि सभी साउथ एशियन कंट्रीज इस एरिया के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगी। और पांचवा, इस क्षेत्र के देश एक दूसरे की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और अखंडता का सम्मान करेंगे और किसी भी संकट से निपटने के लिए एक दूसरे की आर्थिक और श्रमिक रूप में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो गुजराल सिद्धांत कहता है कि हमें अपने पड़ोसी देशों की मदद करनी चाहिए बिना ये अपेक्षा किए कि वो हमारे लिए कुछ जल्दी करेंगे। गुजराल ने कहा था कि पड़ोसी देशों की शिकायत दूर करते हुए भारत को बड़े भाई की भूमिका में आना होगा और शायद इसीलिए साल 1996 में उन्होंने बांग्लादेश के साथ फरक का समझौता किया और गंगाजल का एक हिस्सा उसे दिया। हालांकि बाद की बांग्लादेशी सरकारों ने भारत विरोधी रवैया बरकरार रखा, इसके बावजूद बांग्लादेश को एकतरफा रियायत और मदद देने की नीति पर भारत चलता रहा, जो आज तक चल रहा है और कुछ कुछ फल देता हुआ नजर भी आता है। याद रहे, ये वही गुजराल थे जिन्होंने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए साल 1996 में भारत को सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने दिए थे और आज भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर उस समय सीटीबीटी पर हस्ताक्षर हो गए होते तो शायद आज ये नहीं हो पाता। इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री रहे। उस वक्त खाड़ी युद्ध चल रहा था। इस दौरान गुजराल ने वहां फंसे हुए 1,70,000 भारतीयों को विमान से सुरक्षित देश वापस लाने की भरसक कोशिश की और सफलता भी हासिल की। ये एक बहुत बड़ा काम था और अपनी तरह का ये अब तक का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जाता है। इस ऑपरेशन पर बाद में एयरलिफ्ट फिल्म भी बनी थी, अक्षय कुमार अभिनीत है, आपने देखी होगी। यहां पर एक जिक्र उनके सिद्धांतों का करते हैं। गुजराल पेशे से पत्रकार रहे थे। जब इमरजेंसी लगी तो गुजराल सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने आई के गुजराल को आदेश दिया था कि आकाशवाणी में पढ़ी जाने वाली खबरों को सेंसर किया जाए। गुजराल ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, यानी एक तरीके से फेवर मांगा गया और गुजराल ने मना कर दिया। इसके बाद संजय गांधी से उनकी अनबन हुई और अगले ही दिन गुजराल के हाथों से मिनिस्ट्री छीन ली गई और किसी और को बना दिया गया इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो ये थे सिद्धांत। गुजराल की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि भारत का जो गुजराल डॉक्ट्रिन है वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सका क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कई ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से पड़ोसी देश भारत के खिलाफ खड़े होने की कोशिशें करते रहे।
ये देश चाहे फिर नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या मालदीव हो, या श्रीलंका हो, या कोई और हो, चीन के इशारे पर ही सही, लेकिन ऐसा होता रहता है। लेकिन गुजराल सिद्धांत को भारत की विदेश नीति में एक बड़ा योगदान अगर न कहा जाए तो यह भी गलत होगा, क्योंकि गुजराल के बाद के तमाम प्रधानमंत्रियों ने बिना गुजराल डॉक्ट्रिन का नाम लिए इस नीति को आधार बनाया और भारत की विदेश नीति को चलाने की कोशिश की, फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे हों डॉक्टर मनमोहन सिंह। गुजराल ने कहा था एक दफा कि इंसानों की तरह जो राष्ट्र घुटने टेक देते हैं या झुकते रहते हैं, उनका कभी सम्मान नहीं होता। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल ने एक जगह लिखा कि गुजराल नितांत सज्जन और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। स्वभाव से वो जितने शांत और संयत थे, विचारों में उतने ही सख्त थे। हमारी पड़ोस नीति के संदर्भ में वो एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़कर गए हैं। भले ही हम उसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से खुले तौर पर न कहते हों, लेकिन उसको अपनाया तो उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी है। अगर आप देखें तो ये कहना कि एक देश अपनी छवि को एक लिबरल कंट्री के तौर पर बनाए और पड़ोसियों से कोई अपेक्षा न रखे, यह आसान नहीं था, और 1990 के दशक में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ने इसे अपने समय पर मुमकिन करके दिखाया। तो गुजराल को हम लोग याद करते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करना, और खाड़ी युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए। संयोग से बने प्रधानमंत्री बहुत दिन तक अपने पद पर नहीं रह सके। तो ये थी जानकारी इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जानते हैं सिविल स्टेली के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, डेली ओपेड्स, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनर्स और ये प्रोग्राम तो शामिल है ही। इसके अलावा छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बीच बीच में आते रहेंगे। अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।